हरिओम। आज 11 सितंबर 2024, भगवान ने कल बताया था कि आत्मा कभी जन्म नहीं होता है, 6 विकारों से परे है। अतः अर्थात 19 और 20 में आत्मा के कोई कार्य नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, हनन कर्ता भी नहीं हो सकता है। 19 में बताया था, 20 में उसका कारण क्या है, क्योंकि अजय नित्य, ये भी बताया था, अभिकारी है वो। और 19 में जो प्रतिज्ञा की गई थी ना कि आत्मा की कर्तव्य तो नहीं है, उसका उपसंहार कर रहे हैं 21 श्लोक में कहते हैं, देखो बाबा, जो हमने कहा था कि आत्मा के हनन करता या कर्म और क्रिया नहीं है, अर्थात अगर कोई समझता है कि आत्मा मरने वाला है, वो भी गलत है। अगर कोई समझता है आत्मा मारने वाला है, वो भी गलत है। तो आत्मा न हन्यते, ना यम हन्ति न हन्यते, हन्ति कर्ता, हन्यते कर्म, मारने वाला और जो मर जाता है, जिसको मारा जाता है। अब उपसंहार करते हैं तो जो ज्ञानी है, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनको ये सब दुख है नहीं है, और वो किसको मारेंगे, सब में आत्मा ही देखते हैं। श्री भगवान उवाच, वेदा विनाशिनम नित्यम यये नमजमव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। पार्थ, मैं अजीब बता रहा था तो अभी तुम्हें बता रहा हूं। तो 21 श्लोक नंबर में, श्लोक नंबर 21 में, दूसरा अध्याय का, वो कह रहे हैं कि उपसंहार कर रहे हैं, जो पुरुष, यह माने वो एवर में भी, ही में भी ही, जो भी पुरुष वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम, यह एनम, एनम मन आत्मानम, कौन सा आत्मानम, ना अजम अव्यय, जो पहले भी 20 श्लोक में बताया था, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, ऐसे जो आत्मा का लक्षण है, अव्यय है, नित्य है, अविनाशी है। अगर इसमें भी आप देखना, 6 विकार में से 4 विकार के निषेध कर देते, कैसे, अज अज कह देने से जन्म रहित हो गया, अव्यय कह देने से अपक्षय रहित हो गया, व्यय नहीं है, जो व्यय होता है अपक्षय होता है, नित्य कहने से परिणाम, परिणाम जो चेंज होता है विपरिणमते, वो हो गया निषेध, और अविनाशी कहने से मृत्यु रहित, 4 कट गया। तो अस्थि केवल नहीं है, अस्थि रूप, ये बिना रूप वाला एंड बढ़ना वाला नहीं है, ये दोनों हट देने से बाकी 4 है यहाँ पर। तो ये जो आत्मा है, अव्यय अजय नित्य अविनाशी, वेद, वेद माने जानता है, वेद जो आज हम सनातन धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको वो लोग भी मानते हैं, विदेशी लोग, मानना ही पड़ेगा उनको कि ये सबसे पुरातन है। तो वो जो वेद शब्द विद धातु से ही आया है, जो जानता है, तो वेद का डायरेक्ट मीनिंग भी जानना, तो जो जानता है, स पुरुष, वो जो पुरुष है, बताओ किसको मारेगा, और वो किसके द्वारा हत्या हो जाएगी, ऐसा अर्थात हत्या करवाएंगे, ना वो कर्ता ना वो क्रिया, ये दोनों से अलग है। इसमें शंकराचार्य ने बहुत प्रश्न और उत्तर रखा है कि आत्मा के बारे में, कि वो अलग नहीं है, एक ही है, शरीर अलग है आत्मा से, ये तुम जानो। तो इस प्रकार के भगवान ने बताया। अब भगवान आगे कल देखेंगे कि भगवान के एग्जाम्पल, दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत के द्वारा भगवान समझाते हैं, उस बात को हम कल देखेंगे।
हरिओम।